हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही सुबह 11 बजे से। और ये देखो आज ये कितनी ज्यादा खुश है क्योंकि आज मैं इसको घुमाने लेके जा रही हूँ। फाइनली हम घूमने जा रहे हैं। वैसे अभी हम सड़क में खड़े हुए, पता नहीं बस मिलेगी। ऐसे ना बनू हमारे दिल में जो अरमान जगे हुए वो दब भी जाए, बस न रुके। ऐसे ना अगर आज तो ऐसा हुआ तो बानू मेरे को मार ही देगी, है ना। चलो देखते आगे। वैसे हमारे साथ पल्लू वगैरह भी जा रहे हैं, बुआ का लड़का भी आ रहा है। और ये रही हमारी गाड़ी। और यहाँ पर देखो थोड़ी थोड़ी गैंग अंदर है, थोड़ी बाहर है। और उसको देखो ये कैसे छिपरी बोरी मैंने लिया तेरे ब्लॉग में। तो चलो रेडी हो क्या यार, गाड़ी लेके नहीं आ सकता है तो क्या ये एक बाइक ट्रैकिंग बैग दिखा, ट्रैकिंग के लिए कितना बड़ा लिए है, क्या है इसमें सच्चाई बताओ क्या है इस लड़की के जूते। चलो आप आओ, ठीक है हम चलते आगे। किसने चलना है, आप चलो फिर हम पीछे पीछे, ठीक है। तो फाइनली अभी हमारी गाड़ी जो स्टार्ट हो चुकी है, अभी टाइम हो चुका है यहाँ से जाने का। तो गाइस रेडी हो, तभी यहाँ से चलते हैं। ढेर सारी बर्फ जमी हुई है जिसके कारण मतलब हमारी गाड़ी आगे नहीं जा रही है। ये देखो हमारे ड्राइवर तो रिस्क लेने के लिए तैयार है, पर सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं उतार दो हमें। तो अभी हम यहीं पे उतर रहे हैं। गाइस एक बार फिर से ट्राई कर रहे हैं हमारे ड्राइवर साहब, देखना इस बार आती है गाड़ी या नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में फिर से वही फंस गई, आप देख सकते हैं पीछे। ये देखो भाई गाड़ी का हेलमेट यहाँ पे शुरू हो चुका है, पर आखिरकार हमारे ड्राइवर ने गाड़ी को निकाल ही लिया मेरे ख्याल में। भाई देखो, ये देखो भाई आप पीछे देख सकते हैं, क्या टायर जब फंस गया है यहाँ पे। ये देखो भाई बच गया मैं भी। हम पहुंच चुके अपनी लोकेशन पे, ये वो वाली जगह जहाँ पे गाड़ी वगैरह फाइनल लोकेशन पे नहीं पहुंचे हैं, यहाँ पे हमारी गाड़ी वगैरह लग जाएगी ना। तो बस 2 मिनट का तो रास्ता है इससे आगे, थोड़ी 2 मिनट लग जाएगी मेरे ख्याल। रहा भरमानी माता का प्रवेश द्वार, जहाँ से अभी हमने अंदर जाना है। अंदर जाके भरमानी माता जी का मंदिर है, वहाँ पे चलेंगे। बाकी लोग तो सारे चले गए। ये रहा हमारी भरमानी माता जी का मंदिर, आप देख सकते हैं ये सामने जो है हमारी भरमानी माता जी का मंदिर। और यहाँ पे देख सकते हैं नेचुरल पानी, मतलब भाई ऊपर से अभी तक भी बर्फ यहाँ पे पिघली नहीं है, जितना भी पानी आता पिघल के सारा का सारा यहाँ पे आप देख सकते हो। ये रहा, और वो आप नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बाद में लेके चलता हूँ। लेकिन भाई यहाँ की व्यू की बात की जाए ना तो क्या ही बोले दोस्तों, आप देख सकते हो मतलब बिल्कुल नेचुरल सारा का सारा दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल शुद्ध वातावरण यहाँ पे आपको। और आसपास की लोकेशन आप देख सकते हो, सामने वाले पहाड़ भी, वहाँ पे भी बर्फ है। हम फाइनली घूमेंगे फिरेंगे गाइस। कहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे, सबसे पहले मंदिर में प्रसाद वगैरह चढ़ा लेते हैं, उसके बाद ही घूमेंगे, ठीक है। माथा टेकने के बाद तो फिर कब, तू है यहाँ पे आधे घंटे से बैठे हुए, कब टेकने माथा। ये बस हो गया बाहर से, चलो यार प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ाने क्या, तुम लोग भी सीधे यहाँ पे आके मतलब ऐसे बैठेंगे, बैठ के गप्पे देवियां सज्जनों देवियां। हाँ ढेर सारी देवियां। आप लोग शूट कर रहे थे इसलिए हम इधर आपका वेट कर रहे थे। चलो 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 तो अभी हमने पूजा वगैरह जो है कर ली है, यहाँ पे दीक्षु प्रसाद बांट रही है, देखो बांट दिए सारों सारों को बांट दिया। आपने कर दी, मैंने कर दी, एक ही बात है। पेट वैसे हमारा अलग अलग है, ठीक है वो तो है। हाँ तो बस तो अभी फिलहाल यहाँ पे घूमते हैं, फोटोज वगैरह ले रहे हैं। बानू ले ली तूने भी, चुप्पी होगी क्या हुआ, ठंड तो नहीं लग पड़ी। बार बार कौन है? अच्छा मतलब तू इसको बोल रहा है क्या, मक्खी इसको बोल रहा है? नहीं सच में, अच्छा मैंने सोचा इसको बोल रहा है। Few moments later. हम दर्शन वगैरह करके जा रहे हैं, घर की ओर नहीं जा रहे, मतलब अभी थोड़ी एक और नीचे जगह है वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा खाए पिए। क्या हुआ? हाँ मतलब तूने तो खुले बाल छोड़े हुए तेरे तो, ये देखो। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी दूसरी लोकेशन पे, चलो जल्दी 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 आओ। ओ वाह यार यहाँ पे मतलब यहाँ पे आके मेरे को बहुत ज्यादा सुकून सा मिलता है, ये देखो कितनी अच्छी वाली जगह है यहाँ पे। तो रोज तो फूल कहाँ गए, फूल तो है ही,
सर्दियों के टाइम मेरे को लग रहा थोड़े काम लगाए शायद ना। तू मेरे को रोज छोड़ जाए करेगी इधर, किराए दे दी पक्का पक्का। चलो ठीक है तब तो अच्छी बात है। कहाँ से देखिए दोनों अपनी मस्ती में गुम है। ये छोटे बच्चों के लिए होता है, बड़ों के लिए थोड़ी ना होता है। तो छोटी हाँ, इतनी छोटी जैसे अभी पैदा हुई है। स्लो मोशन में झूली जी इसको देखो, तू तो बड़ी छोटी है ना, मुंह कुछ खा लेती है। कल परसों तक खुद छोटे होने वाले थे। छोटी है हाँ, छोटी है तू अभी तक। और उधर देखो जीजा वगैरह को, वो भी मस्ती में ठीक ठाक। वो खुद धक्का नहीं दे रही, राखी खुद को धक्का दे। घुमा घुमा जल्दी घुमा यार, दी डर क्यों रहे हो? जोर से जोर से रियस को धक्का जोर से दे। ये कौन से झूले झुला रहे बिचारी की चप्पल देखो, एक बार एक बार रुको रोक दो रोक दो बस करो। और अभी टाइम है यहाँ पर खाने पीने का, सारे लोगों को लगी हुई है भूख बताओ। मेरे को सबसे ज्यादा मेरे को लगी, तीन जनों को लगी हुई है बाकी में, और इनको तो टोटली नहीं लगी हुई। वो देखो कैसे बैठे हुए अलग से। क्या हुआ क्या क्या अंकल पतली रखो। देखो हम चौमिन लेके आए थे पर साथ में चम्मच नहीं लेके आए, तो कैसे कैसे खा रहे। बानू खा दिखा, ये मतलब ऐसे ऐसे खा रहे दिन जा रहा है ऐसे ऐसे। मजा आ गया वैसे है ना। हमारा खाना पीना हो चुका है डन, और ये भी हम पैक करके लेके जा रहे हैं कहीं मतलब घर को। मतलब अब खाना खा के कौन कौन डांस करेगा? मैं पक्का सारे में। तू तुझे क्या है, तू भी करेगी? चलो करते फिर सबसे। डांस कर तो ये बैठी है यार। हाँ वैसे पता नहीं देखो ये कैसे इतना भी नहीं खाया तूने, कहा वैसे लग पड़ी चलने। चलो वीडियो ना रहा है ना बस एक ही गाने पे नचना। डांस हो रहा है भाई, देख सकते हो आप, बहुत एंजॉय हो रहा है अभी तक। लंबा